जी पाठक और इस जिले के प्रभारी कुंवर महाराज सिंह जी, श्री बागीश पाठक पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, श्री अशोक भारती, श्री दया सिंधु शंकरधार जी, श्री योगेंद्र सागर जी, श्री अजय पाराशरी जी, श्री पंकज सिंह, श्री रामवीर सिंह, श्री उमेश सिंह राठौर, श्री गेदनलाल मौर्य, श्री दुर्गेश वार्ष्णे, श्री लालू सिंह, श्री अनिल रस्तोगी, श्री नथुलाल शर्मा, श्री राकेश दीक्षित, यौम इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, शायद इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए लंबे अरसे के बाद आप सभी के सामने खड़ा हुआ हूं और लंबे समय के आने के बावजूद आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। आपने फूलों की हार पहनाकर स्वागत किया है, आपने तालियां बजाकर स्वागत किया है, लेकिन मैं भारत का नागरिक हूं, भारत की परंपराओं में रचा हूं, बसा हूं, भारत की परंपराओं से अच्छी तरह मैं परिचित हूं, इसलिए इस हकीकत को मैं जानता हूं कि भारत में स्वागत, सलाम दुआ अथवा अभिनंदन एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से आप सभी बहनों भाइयों का शीश झुकाकर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, आपको जानकारी है कि इस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव प्रारंभ हो चुका है। उत्तर प्रदेश जहां के आप सभी हम सभी रहने वाले हैं, यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। लगभग 21 करोड़ से अधिक जनसंख्या हिंदुस्तान के किसी एक राज्य में रहती है तो वह उत्तर प्रदेश में रहती है। भारत की राजनीति की दशा और दिशा भी हिंदुस्तान का कोई राज्य तय करता है, उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। और इस बार भी जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है वह हिंदुस्तान की राजनीति की दशा और दिशा को तय करेगा। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2014 के लोकसभा चुनाव में बहनों भाइयों आपने करिश्माई काम किया है और मैं आपके प्रति आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव में 2014 में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की झोली को लबालब कमल के फूल से भर देने का काम किया। शायद यदि उत्तर प्रदेश की जनता का यह प्यार भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त न हुआ होता तो आज केंद्र में स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बन पाती। और जैसा मैंने कहा कि आपने करिश्माई काम किया है, यह क्यों कहा? इसलिए कहा, जब से आजादी हासिल हुई है 70 वर्षों का समय गुजर चुका है। इन 70 वर्षों में किसी भी गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टी को भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत कभी हासिल नहीं हुआ। पहली बार भारत की संसद में किसी गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है तो आप सभी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी को ही स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। इसीलिए मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर वह ताकत है कि भारत की राजनीति की दशा भी बदल सकता है और भारत की राजनीति की दिशा भी बदल सकता है। 2.5 वर्षों का समय केंद्र में सरकार बने हुए गुजर चुका है। स्वाभाविक रूप से आपके मन में भी यह सवाल खड़े होते होंगे कि 2.5 वर्षों के अंदर इस सरकार ने क्या किया। हमारा राजनीतिक विरोधी भी होगा तो राजनीतिक विरोधी यह कहेगा कि सरकार को जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। स्वाभाविक है, वो हमारे विरोधी कहेंगे। लेकिन जो मैं बात कहने जा रहा हूं, मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, मेरी बात गलत हो
तो ताली मत बजाना, सही हो तो एक हाथ भी नीचे नहीं होना चाहिए जो कि ताली न बजाए। क्या यह सच नहीं है कि 2.5 वर्षों के शासनकाल में आजाद भारत के इतिहास में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की बार पहली बार सारे दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा करने का काम किसी प्रधानमंत्री ने किया है, उस प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। बहनों भाइयों, आज भारत यह कमजोर भारत नहीं रह गया है। आज हमारा आपका यह भारत दुनिया का एक ताकतवर देश बन चुका है। आप लोगों ने देखा होगा हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जब होता है तब भारत को तोड़ने की, भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता रहता है। और आज के कुछ ही महीनों पहले उरी में हमारे सेना के जवानों पर रात में कायराना हमला करके हमारे कई सेना के जवानों को मार डाला। खबर मिलते ही बहनों भाइयों हम लोगों का खून गर्म हो गया था। प्रधानमंत्री जी ने हम प्रमुख लोगों की बैठक बुलाई और वहीं पर प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया कि हमारे सैनिकों के साथ जो कुछ भी हुआ है इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और आपने देखा कि हमारे बहादुर सेना के जवानों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर जितने भी आतंकवादी थे मौजूद दिखाई पड़े उन सारे आतंकवादियों का सफाया करने में पूरी तरह से कामयाबी हासिल की, जिसे आप सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से जानते हैं। कल मुझसे एक पत्रकार पूछ रहे थे क्या इस प्रकार की सर्जिकल स्ट्राइक जो आप लोगों ने की है पाकिस्तान यदि अपनी हरकतों से बाहर नहीं आता है तो फिर करेंगे। मैंने कहा कि हम किसी पड़ोसी देश के साथ कभी भी रिश्ते अपने बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई भी पड़ोसी देश हमें परेशान करने की कोशिश करेगा तो हम उसे किसी भी सूरत में माफ नहीं करेंगे। हमारी साफ नीति है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन जो छोड़ेगा छेड़ेगा उसे हम छोड़ेंगे भी नहीं, यही हमारी नीति। आप तो याद होगा 4 महीने पहले मैं भी पाकिस्तान गया था। बहनों भाइयों, मैं जाना नहीं चाहता था। मैंने अपने राज्य मंत्री को कह दिया, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सार्क का हो रहा था कि हमारे राज्य मंत्री जाएंगे, लेकिन 2 दिन पहले ही जब मुझे इस बात की जानकारी मिली कि वहां के आतंकवादी सड़कों पर निकलकर मेरा विरोध कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं, तो मैंने भी ठान लिया और मैंने कहा अपने अधिकारियों से कि अब तक तो मैं अपने राज्य मंत्री को पाकिस्तान भेज रहा था, लेकिन अब मैं खुद पाकिस्तान की धरती पर जाऊंगा। पाकिस्तान में पहुंचा, एयरपोर्ट से पहले मुझे बाई रोड जाना था 15 किलोमीटर जहां मुझे रुकना था। वहां जब मैं पहुंचा तो पाकिस्तान के अधिकारियों ने कहा कि सर आपके लिए हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर से आपको होटल में जाना है, बताइए। मैंने कहा हेलीकॉप्टर होटल में उतरेगा? उन्होंने कहा होटल में उतरेगा। मैंने कहा चलो, पाकिस्तान का मेहमान हूं, जैसे पाकिस्तान कहेगा वैसा करूंगा, यहां पर आया हूं। हेलीकॉप्टर से ले गए और होटल के थोड़ी दूर बाहर निकाले और उसके बाद मेरे खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, सड़कों पर नारेबाजी हो रही थी। मैंने कहा कि चाहे जितनी भी नारेबाजी हो, आज यदि मैं आया हूं तो पाकिस्तान की धरती की छाती पर खड़े होकर आज मैं पाकिस्तान की पोल खोल कर जाऊंगा, इनके मुंह पर मैं दो टूक जवाब देकर जाऊंगा। और आपने देखा होगा, देखा था कि नहीं टेलीविजन पर, इसीलिए मैंने कहा बहनों भाइयों कि आपका मस्तक हमारी सरकार किसी भी सूरत में झुकने नहीं देगी।
आपको यकीन दिलाता हूं। और इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता, चाहे हमारा भारत का कोई राजनीतिक विरोधी हो, चाहे दुनिया का हमारा कोई राजनीतिक विरोधी हो, उंगली उठाकर यह नहीं कह सकता है कि हमारी सरकार के किसी मंत्री के ऊपर ढाई वर्षों में एक भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हो। और मैं तो कहना चाहता हूं, यहां से लेकर वहां तक खड़े हैं, मैं आजादी देता हूं, कोई नहीं बोलेगा एक भी भ्रष्टाचार के आरोप हमारी सरकार के किसी मंत्री के ऊपर लगे, कोई तो बता दे। बोले कांग्रेस के लोग, बोले सपा के लोग, बोले बसपा के लोग, इनकी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, सीबीआई की जांच हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री और नेता के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ढाई वर्षों के अंदर हमने आपका मस्तक ऊंचा किया है कि नीचा किया है? और आज यह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के लोग हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली उठाते हैं, और एक कांग्रेस के नौजवान नेता है, नौजवान है, वह कहते हैं हमारे पास ऐसा मसाला है, ऐसा मसाला है कि जिस दिन मैं मुंह खोलूंगा सारी दुनिया में भूचाल आ जाएगा। वाह, गजब हो गया। मैं उस नौजवान नेता से कहना चाहता हूं, बोलते तो रोज हो, भूचाल की बात तो बहुत दूर है, हवा भी नहीं चलती है। धमकी देते हैं, अरे बोले हुए आपको तो ढाई महीने का समय हो गया कि मैं पोल खोल दूंगा। पोल खोलते क्यों नहीं? क्यों जनता की आंखों में आप सर धूल झोंकते हो? और एक समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो भी नौजवान है, ये देखिए क्या है, जोर से बोलिए बबुआ। वो भी जनता से अपनी मीटिंग में पूछते हैं कि बताओ अच्छे दिन कहां आए, अच्छे दिन कहां आए। मैं उत्तर प्रदेश के उस मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, गंभीरतापूर्वक विचार करो, अच्छे दिन आने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है, अच्छे दिन आने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। और जिसके साथ इस समाजवादी पार्टी ने हाथ मिला है 55 ईयर्स तक इस देश को बर्बाद किया है। सत्तर वर्षों की अंधेरी रात को चुटकी बजाकर कोई परिवर्तन नहीं ला सकता, समय लगेगा। और आप उत्तर प्रदेश के लोगों को उस दिन से अच्छे दिन का एहसास होना प्रारंभ हो जाएगा बहनों भाइयों, जिस दिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का ग्रहण ही उत्तर प्रदेश से समाप्त हो जाएगा, उसी दिन से लोगों को अच्छे दिन नजर आने शुरू हो जाएंगे। इन लोगों ने किया क्या है? कहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, हमने बहुत विकास किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विकास हुआ है आपके यहां? और भाई पीछे के लोग बतलाइए, आपके यहां विकास हुआ है? मेरे वहां खड़े हैं मेरी माताएं बहनें, आपके यहां विकास हुआ है? देखिए माताएं बहनें जो ऊपर खड़ी हैं छत के ऊपर, नहीं विकास हुआ है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, इस राज्य का जो सकल घरेलू उत्पादन है, इस राज्य का जो मैं आंकड़े देता हूं बहनों भाइयों, व्यक्ति झूठा बोल सकता है लेकिन आंकड़े कभी झूठा नहीं बोल सकते, आंकड़े देता हूं। इस राज्य का जो घरेलू सकल उत्पादन जिसे जीडीपी कहते हैं, वह इनके आने के पहले 5.6% थी, अब इनके आने के बाद वह 2% घट गई है, 3.6% हो गई है, यह विकास हो रहा है।
यहां पर बड़ी संख्या में आप सभी किसान भाई मौजूद हैं। खेती का जहां तक सवाल है, कृषि की विकास दर जो पहले 2.8% हुआ करती थी, इनके आने के बाद घटकर 1.8% हो गई है। यही विकास हो रहा है। क्या ऐसा विकास चाहिए? जब लोग सवाल करते हैं तो वह कहते हैं क्या करें, मैं क्या करूं, 5 साल तक तो हमने जान लगा दी, लेकिन हमारे चाचा काम नहीं करने देते थे, हमारे पिता काम नहीं करने देते थे, ये कहते थे कि नहीं कहते थे, ये लोग हमको काम नहीं करने देते थे, अब लोगों को अलग कर दिया, अब मैं काम करूंगा, क्या तमाशा है। आप लड़ रहे हैं, अरे भाई लड़ना था तो 5 साल पहले ही लड़ लिए होते। और पूरा का पूरा परिवार, 22 लोग सत्ता में बैठे हैं, कोई संसद सदस्य है, कोई विधायक है, कोई चेयरमैन है, कोई मंत्री है, भाई किसका विकास हुआ है? परिवार का विकास हुआ होगा बहनों भाइयों, लेकिन उत्तर प्रदेश का इन लोगों ने विकास नहीं किया है। भूमाफियाओं का विकास हुआ है, शराब का ठेका लेने वालों का विकास हुआ है, गुंडों का विकास हुआ है बहनों भाइयों। लेकिन मैं भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं, आप कभी जानते हैं, और आज भी मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, कोई भी गुंडा बदमाश अपने सीने का बटन खोलकर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर चलने की जरूरत करेगा, उसकी खाद खड़ी कर दी जाएगी। मेरे बहन शराब की हालत क्या हो गई है, शोर भी और शराबा भी, क्या पूछना। शराब के ठेके में जो कुछ भी हो रहा है, आज मैं उसका खुलासा नहीं करूंगा, समय आने पर खुलासा करूंगा। क्या हो रहा है, जनता को लूटा जा रहा है, लूटा जा रहा है। सैकड़ों करोड़ रुपए की धांधली हुई है शराब के मामले में, समय आने पर इसका खुलासा होगा। और मैं अपने प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, हमारी कोई भी बात गलत हो, कोई भी बात गलत हो, आप अपने अखबार के पन्नों पर लिख देना, मैं सिर झुकाकर उसे स्वीकार कर लूंगा, गलती होगी तो मैं माफी मांग लूंगा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में अथवा हिंदुस्तान में मैंने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर मेरे बहनों भाइयों मैंने राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर मैंने राजनीति की है। इसलिए बेटा तमाशा बना दिया इस उत्तर प्रदेश को। क्या क्या वादे किए थे 5 साल पहले, उन्होंने कहा था हमारी सरकार बना दो, हम आपको 24 घंटे बिजली मुहैया कराएंगे। बिजली तो मिल रही है 24 घंटे को भैया, बिजली मिल रही है कि नहीं? अरे मेरे मीडिया के मित्रों, इन लोगों का हाथ देखो पीछे से क्या कह रहे हैं लोग, एक बार घुमाकर देख तो लो आप क्या कह रहे हैं, यहां से लेकर ऊपर तक। अच्छा ये बताइए ना, 24 घंटे तो 12 घंटे तो मिल रही है, वो भी नहीं। अब हमारा मुख्यमंत्री तो काल तो बहुत 14 साल पुराना हो गया, याद नहीं होगा बहुतों को, लेकिन जो पुराने होंगे उनको याद होगा, मैं केवल 1.25 साल 1.5 साल मुख्यमंत्री रहा हूं बहनों भाइयों। लेकिन आपसे वादा किया मुख्यमंत्री बनने के बाद ही, कम से कम मैं शाम को और रात को बिजली मुहैया कराऊंगा, और 12 घंटे की शाम और रात को मैंने बिजली मुहैया कराई थी। यह बात सच है कि नहीं, जिनको मालूम हो हाथ को ताली बजाइए, और जिनको न हो मत बजाइए। यदि राजनाथ सिंह 12 घंटे की बिजली 2-3 महीने के अंदर मुहैया करा सकते हैं, तो मैं यहां के मुख्यमंत्री, यहां की सरकार के लोगों से पूछना चाहता हूं, 5 साल गुजर जाने के बावजूद आप 12 घंटे की बिजली क्यों नहीं मुहैया करा सकते? तो अच्छा 10 घंटे मिलती है,
2 घंटे। आज मैं वादा करके जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत से सरकार बना दो बहनों भाइयों, 4 से लेकर 5 वर्ष के अंदर हम आपको 24 घंटे की बिजली मुहैया कराएंगे। और इतना ही नहीं, 1 साल के अंदर शाम को 10 घंटे से लेकर 12 घंटे की बिजली मुहैया कराएंगे 1 साल के अंदर। बिजली नहीं आती है तब तो बहुत तकलीफ होती होगी ना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बहुत तकलीफ होती होगी। क्यों जवानों तकलीफ होती है ना पढ़ाई लिखाई में? और जवानों को जो तकलीफ होती होगी, लेकिन दिन भर काम करने के बाद, वैसे ही काम करने के बाद आदमी थक जाता है तो आंख की रोशनी कम हो जाती है, और दिन भर काम करने के बाद जब रात को आप घरों में पहुंचते होंगे तो अंधेरा ही अंधेरा, न आप घर वाली को देख पाते होंगे न घर वाली आपको देख पाती होगी। तकलीफ होती है ना? क्यों दादा, है ना? अच्छा, अरे तकलीफ होती है रात को कि नहीं? अच्छा ये बताइए, आज के 2 साल पहले जब हमारी सरकार नहीं बनी थी तो यूरिया खाद के लिए लाठी चार्ज होता था, लाइन लगती थी कि नहीं लगती थी? जब से सरकार केंद्र में बन गई है खाद के लिए अब लाठी चार्ज होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। खाद की कीमत थोड़ी पहले से हम लोगों ने कम कर दी है कि नहीं कर दी है? इसे सरकार कहते हैं। अब जो धांधली करने वाले थे, अब हम लोगों ने यूरिया खाद पर नीम लगा दिया, नीम कोटेड यूरिया, ताकि इसे ले जाकर अपने घरों में, अब इसे ले जाकर जो दलाल हैं वह इधर उधर उसे बेचने न पाए, शराब बनाने वालों को न देने पाए, इसलिए हम लोगों ने उस यूरिया पर नीम कोट कर दिया। नीम लगने से स्वाभाविक रूप से यूरिया खाद की खपत कम होगी, और 10% कम यूरिया आप अपने खेत में डालेंगे तब भी उत्पादन उतना ही होगा केवल नीम कोटेड यूरिया होने के कारण। छोटी छोटी चीज क्या? हाँ, अब ये तो राज्य सरकार देगी ना, ट्यूबवेल का कनेक्शन, ट्यूबवेला का कनेक्शन मिलेगा, घबराओ मत। अच्छा ये बताइए, धान गेहूं की खरीद वगैरह सब कायदे से हो रही है? अरे जो पैदा करते हैं खरीद हो रही है? अच्छा ये बताइए, मेरी बात गलत हो मत बजाइएगा ताली, मुख्यमंत्री रहते हुए 2001 याद करिए, मैंने एक एक पाई धान की खरीद समर्थन मूल्य पर की थी कि नहीं की थी? भीगा हुआ धान मैंने खरीदा था बहनों भाइयों, और मैं अच्छे से आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, सरकार बन जाने के बाद आपके धान और गेहूं की खरीद समर्थन मूल्य पर हमारी सरकार करेगी बहनों भाइयों, जितना बेचना चाहेंगे उतना करेंगे, कम कीमत आपको नहीं मिलेगी, पूरा मुहैया कराएंगे आपको। और यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं, आप फसली ऋण लेते हैं कि नहीं, कर्ज लेते हैं कि नहीं, फसली ऋण लेते हैं? तो आज से मेरी बात आप सुन लेना, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों पर जो फसली ऋण है उस ऋण को चुटकी बजाकर माफ कर दिया जाएगा, जितना ले रहे। ठीक है,
मंजूर, मंजूर, जो खड़े हैं उनको मंजूर। एक बात और जो मैं बात करने जा रहा हूं, इसका हमारे मीडिया के दोस्त पता लगा लेंगे। भारत के इतिहास में पहली बार कृषि के ऋण पर पहली बार ब्याज यानी सूद की दर कम करने का काम इस हिंदुस्तान में किसी ने किया था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे और 2003 में मैं भारत सरकार का कृषि मंत्री था तो पहली बार जो 14 से लेकर 18 फीसदी का सूद लगता था उस सूद को कम करके 8 फीसदी 2003 में किया था मेरे बहनों भाई। और उसके बाद 2006 में मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। हिंदुस्तान में जहां जहां मेरी सरकारें थी सभी सरकारों को मैंने कहा कि भाई मैंने 8 फीसदी तो करा दिया था, किसान क्रेडिट कार्ड याद है ना, तो फिर मैंने सारे अपने मुख्यमंत्रियों को कहा, मैंने कहा कि मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं किसान माता की कोख से पैदा हुआ हूं, मैं किसानों के दर्द को समझता हूं, कर्ज का दर्द किसानों का सबसे बड़ा दर्द होता है। तो मैंने अपने मुख्यमंत्रियों को कहा उस समय 2006-07 की बात बता रहा हूं कि आप अपने यहां ब्याज दर 4% कर दीजिए। कर्नाटक की पहले सरकार थी तो उस समय उस 4% 2007 में कर दिया था। फिर मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कहा कि साहब आप आइए भोपाल में, मैं 10-15 लाख किसानों की रैली बुलाऊंगा और उसमें आप घोषणा करिए। मैं गया वहां, मैंने मुख्यमंत्री को कहा कि मैं चाहता हूं हमारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद घोषणा करे, और वहां पर 4% की घोषणा कराई थी। छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ, जहां जहां हमारी सरकारें थी, राजस्थान में भी यही हुआ, पता लगा लीजिए आपके बगल के राज्य में। और यह भी मैंने कहा था पहली बार 4% ब्याज दर पर किसानों को कर, उसके बाद 3% कर देना, उसके बाद 2% कर देना, उसके बाद 1% कर देना, उसके बाद 0% कर देना, 0% कर देना। मेरी बात फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, मेरी बात गलत हो तो लिख दे लो अखबारों में, सपा और बसपा कांग्रेस के लोगों को चुनौती देता हूं, लिख दे अखबारों में, बोल दे जनता के। और आज मैं फिर से आपको कहकर जा रहा हूं बहनों भाइयों, हमारी सरकार बनेगी तो फसली ऋण हम अपने किसानों को 0% ब्याज पर मुहैया कराएंगे। एक साल तक तो एक पैसा भी ब्याज नहीं लेंगे, लेकिन एक साल के बाद 1% 2% लेंगे, नहीं सरकार कैसे चलेगी। एक साल के बाद लेंगे, एक साल तक नहीं देंगे आप, एक साल तक कोई ब्याज नहीं, लेकिन कुछ दे दीजिएगा, पैदा होगा करके दे दीजिएगा। पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही है, नकल उकल तो नहीं हो रही है, नकल उकल तो नहीं हो रही है, चल रही है। जय हो समाजवादी पार्टी। ऐसी बहनों भाइयों, नकल से अकल नहीं बढ़ती है बल्कि नकल से शकल बिगड़ जाती है। अब इसमें बहुत पुराने लोग होंगे, उनको याद होगा 91 में मैं शिक्षा मंत्री था, हमारे कल्याण सिंह जी यहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, याद है? किसको याद है? जहां जितको याद हो ईमानदारी से हाथ उठाइए। अरे बहुत लोगों को याद है, बहुत गाली लोगों ने हमको दिया, बहुत गाली उस समय दिया, कैसा शिक्षा मंत्री आ गया है कि जो नकल करने वालों की खाट खड़ी कर रहा है। डरिएगा मत, नौजवानों पढ़ने लिखने वाले डरो मत, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जानते हैं पहले 75% रिजल्ट आता था, उस साल 14% आ गया। खूब लड़कों ने जब रिजल्ट निकला तो जो अखबार में जो निकलता है उसको पैरों तले रख के खूब रगड़ा, और राजनाथ सिंह को जितना गाली दे सकते थे गाली दी है, खूब दिया। लेकिन बहनों भाइयों, यह कठोर कदम था, कठोर कदम मैंने इसलिए उठाया था ताकि हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों का
भविष्य चमक उठे और उत्तर प्रदेश के नौजवानों की केवल भारत के दूसरे राज्यों में ही मांग न हो बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी हमारे उत्तर प्रदेश के जवानों की मांग हो, इसलिए किया। बीमारी यदि बहुत पुरानी हो जाती है, क्रॉनिक डिजीज जिसे बोलते हैं, तो कड़वी दवा कभी कभी देनी पड़ती, किया। अब इधर नोटबंदी हुई। अब कांग्रेस के लोग कहते हैं कि नोटबंदी करके सपा के लोग भी कहते हैं, आपके मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं नोटबंदी करके इन लोगों ने सबको लाइन में खड़ा कर दिया। अरे वाह, हम लोगों ने लाइन में खड़ा कर दिया। अरे खाद के लिए इन्होंने लाइन में खड़ा किया, राशन कार्ड लेकर इन्होंने लाइन खड़ा किया, कि राशन तेल के लिए इन्होंने लाइन में खड़ा कर दिया, हर चीज के लिए पेट्रोल और डीजल के लिए इन्होंने लाइन में खड़ा किया, भारतीय जनता पार्टी ने कब लाइन में खड़ा किया। मैं मानता हूं कि मेरे बहन भाई और नोटबंदी का फैसला एक कड़ा फैसला था और किसी राजनीतिक लाभ के लिए यह फैसला हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं लिया, यह हमने फैसला लिया है तो राष्ट्रहित में फैसला लिया है। मेरे बहनों भाइयों, यह फैसला इसलिए लिया है कि कांग्रेस की हुकूमत ने 60-65 वर्षों में भारत विश्व का गरीब देश बना रहा, लेकिन हम लोगों की यह हसरत है कि भारत अब दुनिया के गरीब देशों में नहीं गिना जाना चाहिए बल्कि आगामी 5 से लेकर 10 वर्षों के अंदर हमारा भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनकर खड़ा हो जाना चाहिए, इसलिए फैसला किया। कुछ समय के लिए तकलीफ आप लोगों को हुई है, एकांत डेढ़ महीने थोड़ी बहुत और हो सकती है, लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मेरे बहनों भाइयों, उसके बाद तकलीफ नहीं होगी। आतंकवादियों के, नक्सलवादियों के, उग्रवादियों के खूब काले धन का उपयोग करते थे, जनता को मारते थे, हौसले पस्त हो गए, टूट गए हैं हौसले। काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था इस देश में चल रही, पूंजीपति होता चला जा रहा था, गरीब होता चला जा रहा। आय की विषमता, आमदनी की विषमता, आमदनी का गैप, यह बढ़ता चला जा रहा था। क्या हमें इसे समाप्त नहीं करना चाहिए? क्या गरीबों का कल्याण नहीं होना चाहिए? हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन इतने महत्वपूर्ण फैसले पर जो भी सहयोग आप लोगों ने किया है मेरे बहनों भाइयों, मैं जितना भी आभार व्यक्त करूं कम है। मैं आप सबको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि नोटबंदी के फैसले पर आप लोगों ने जो समर्थन दिया है, भारतीय जनता पार्टी सदैव आपके ऋणी रहेगी, आपके हम कर्जदार रहेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्रधानमंत्री का यह फैसला सचमुच गजब का फैसला था, अद्भुत साहस का परिचय दिया हमारे प्रधानमंत्री ने। और ये लाइन में खड़े होकर बात है, अब एक्चुअली समस्या इन लोगों की भी हो गई है, काला धन आएगा कहां से काला धन? आपने देखा, एक तो ऐसी पार्टी है, नाम नहीं लूंगा, जिस दिन नोटबंदी लागू हुई धड़ाधड़ गाड़ियां उनके बंगले में प्रवेश कर रही थी, काला धन लेकर वापस लौट रही, देखा है, कालाधन लेकर वापस लौट। और इतना ही नहीं, सबके ऊपर अंकुश लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी अंकुश लगाने का हमारी सरकार ने फैसला किया। और कहा है चंदा भी 2000 रुपए से अधिक कोई चंदा देगा तो उसे चेक से देना होगा ताकि खुलासा हो सके कि ये चंदा आया कहां से। अब करोड़ों ऐसे घरों में पहुंच जाते थे, अब नहीं पहुंचेंगे, इसलिए कठोर कदम उठाया था। हम राजनीतिक सुधार भी लाना चाहते हैं, आर्थिक सुधार भी इस देश में लाना चाहते हैं, उसके साथ ही साथ हम राजनीतिक सुधार भी लाना चाहते हैं, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने यह सब सारे काम किए हैं। और क्या है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 4 सभाएं मैं भी थक जाता हूं। महेश जी भी आ गए हैं, महेश जी को जानते हैं ना, अरे साधु आदमी है, बिचौली सब ठीक ठाक है ना,
अच्छा आंवला वाला पैदा हो रहा है कि नहीं? आंवला यहां पैदा होता है कि नहीं? यहां नहीं होगा आलू? आलू होता है तो आलू और टमाटर भी होता होगा। वैसे आलू और टमाटर की सब्जी बड़ी स्वादिष्ट होती है, मैं हफ्ते में दो दिन जरूर बनवाता हूं। अब मैं कहूंगा कि जरा हमारे घर भी पहुंचा देना। तो अच्छा अच्छा आलू की कीमत आप लोगों को सही मिल गई कि नहीं? बहनों भाइयों, मुझे मालूम हुआ कि आलू औले पौने दामों पर बिका है, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब मैं मुख्यमंत्री था, गाजियाबाद के दौरे पर गया था, हमारे चीफ सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि साहब आलू किसानों की बिक नहीं रही है, खेतों में फल जा रही है, लेकिन लोग उसे कोई लेने को तैयार नहीं है। बहनों भाइयों, उसी समय मैंने चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया, मैंने कहा कि तुरंत इसी समय गाजियाबाद से ही आदेश जारी कर दिया जाए, यही इसी धरती से चीफ सेक्रेटरी अब अभी करो कि हमारे किसानों का जो भी आलू है वो सारी आलू सरकार खरीद ले और दुनिया के दूसरे देशों में भेज दे ताकि हमारे किसानों को आलू की उचित कीमत मिल जाए। मैं पूछना चाहता हूं, यहां सपा की सरकार से बसपा की सरकार से आप लोग क्यों नहीं करते? नहीं करेंगे, आपकी चिंता नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के अच्छे दिन नहीं देखना चाहते हैं, केवल अपने अच्छे दिन देखना चाहते हैं, केवल अपने अच्छे दिन देखना चाहते हैं। कोई भी संवेदनशील सरकार होगी बहनों भाइयों, वो अपने अच्छे दिन नहीं देखेगी बल्कि जनता के अच्छे दिन देखेंगे। हम जोखिम उठाकर काम करेंगे, सरकार बड़े अथवा न बने इसकी कोई परवाह नहीं है। हम लोगों ने जो राजनीति की है, केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं की है, हम लोगों ने राजनीति की है बहनों भाइयों, तो देश बनाने के लिए राजनीति की है, समाज बनाने के लिए राजनीति। जब जब समाजवादी पार्टी आती है, गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद हो जाते हैं, हिंदू मुसलमान के बीच ये झगड़े कराना शुरू करते हैं, क्या कारण है? जब भारतीय जनता पार्टी आती है तो कोई दंगे नहीं होते, एक आध छिटपुट कहीं पर हो गए तो हो गए, जब आप लोगों की सरकार आती है दंगे होते हैं, क्यों होते हैं? बहनों भाइयों, या जाति पंथ मजहब की राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करती है। हम जाति पंथ और मजहब की राजनीति नहीं करते, हमारे लिए सभी बराबर हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जो भी भारत माता की कोख से पैदा हुआ है वह सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं। और भारत तो एक ऐसा देश है कि भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि विश्व की धारा पर रहने वाले सभी को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए हमारे ऋषियों और मनीषियों ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। बहनों भाइयों, ऐसी यह पुण्य भूमि है यह भारत। इसलिए मैं आप सबसे मैं यह अपील करना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, इस बार जैसे आप लोगों ने केंद्र में सरकार बनाई थी ना जमकर, इस बार भी झोली भर दीजिए, भर देंगे भर देंगे, पक्की बात। यहां कोई बिसौली और कन्या महाविद्यालय नहीं है, है? कौन कह रहा था? किसी को मालूम नहीं होगा, इसीलिए हमको बता रहे हैं। कन्या महाविद्यालय नहीं है, अभी कह रहे हैं यार तो सही देखेंगे, हम लोग देखेंगे। तो अब चलें, चलें कि न चलें? अरे चलें कि न चलें? अरे माताओं बहनों, चलें कि न चलें? देखिए हमारी मां बहनें भी कह रही हैं, भाई भी कह रहे हैं कि नहीं चलें, लेकिन ऐसा है योगेन कुशाग्र, कुशाग्र जीतने के बाद, और हमारे महेश जी गुप्ता हमारे बदायूं के प्रत्याशी हैं, बहुत हमारे प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं। है क्या? अच्छा अच्छा, बताइए, ये अच्छा कहा, सपा कांग्रेस मिल गए, ज
जिंदगी भर मुलायम सिंह कांग्रेस का विरोध करते रहे, जिंदगी भर मुलायम सिंह कांग्रेस का विरोध करते रहे, और उन्होंने अपने दमखम के आधार पर एक समाजवादी पार्टी खड़ी कर दी। जिंदगी भर की कमाई को बेटे ने धो डाला, बाप की कमाई केवल सत्ता के लालच में। बहनों भाइयों, लगता है कि यह समाजवादी पार्टी हताशा में चली गई है, डिप्रेशन की शिकार हो गई है, और इसने डिप्रेशन का शिकार होने के कारण ही वह सुसाइड कर लेने पर आमादा है। इस बात की भी परवाह नहीं की कि जिस मुलायम सिंह जी ने बराबर कांग्रेस का विरोध किया, आपने देखा होगा सपा और कांग्रेस का जब गठबंधन हुआ उसके बाद भी मुलायम सिंह जी ने कहा कि मैं प्रचार करने नहीं जाऊंगा कांग्रेस के साथ। जो कांग्रेस 55 वर्षों तक हुकूमत करने के बावजूद इस देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, अराजकता को बढ़ावा दिया है, गरीबी बढ़ाई है, जवानों की बेरोजगारी बढ़ाई है, उसके साथ यहां समझौता किया है, गठबंधन बनाया है। जो कमजोर हो जाता है वह किसी न किसी बैसाखी की का सहारा ढूंढता है। बहनों भाइयों, इनका दोष नहीं है, ये दोनों कमजोर राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन बैसाखी भी जो होती है मजबूत बैसाखी की तलाश करनी चाहिए। कमजोर बैसाखी लगाओगे तो फिर से गिर जाओगे। तो दोनों ये कमजोर बैसाखी है। अरे चाचा क्यों निकाली, अब कितना बतना है। अरे ये कहते थे कि हम इसलिए काम नहीं कर पाए, मुख्यमंत्री रहते हुए भी इसलिए काम नहीं कर पाए क्योंकि हमको चाचा काम नहीं करने देते थे, हमारे पिता काम नहीं करने देते थे, हमारे भतीजे काम नहीं करने देते थे। अब भाई नहीं करने देते थे तो आप पूछिए पिताजी से कि इन सब लोगों को क्यों सरकार में बैठा, नहीं करने देते थे। पर क्या तमाशा है, आप तो 5 वर्ष में आपने डुबो दिया उत्तर प्रदेश को, अब कहते हैं कि चाचा ने भी काम करने दिया, भाई ने काम नहीं करने दिया, भतीजे ने काम नहीं करने दिया। यह क्या तमाशा है, जनता को मूर्ख समझ रखा है, चित्त भी मेरी पट भी मेरी और उलट तेरे बाप का, ये क्या तमाशा है। अब हर चीज पर नहीं बोलूंगा, आगे भी बोलना है। तो मैं ये कुशाल को कह रहा था, और महेश जी भी हमारे यहां, पाठक जी हमारे सबसे बुजुर्ग नेता कहां है, और जिलाध्यक्ष यहां पर है, हरीश आपके कहां है, हरीश पंडित जी आओ, आप देखें महत्वपूर्ण लोग हैं, आप तो सबके हम लोगों के भी गार्जियन हैं। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, बदायूं में सब सीट जिता देंगे आप लोग हम लोगों को, तो यह सब सीट जिता दें तो एक बार बदायूं में सभा रखिएगा और सबको यहां से उठा कर ले जाइएगा, और उसके बाद अरे जो गलती सही हो गई होगी उसको छोड़ो यार, अब आओ, इज्जत की बात है, इज्जत की बात है, इज्जत सब बचाने के लिए, अपना मान सम्मान बचाने के लिए सब कुछ भी किया जा सकता है, इसलिए कोई बात नहीं, भूल जाओ जो कुछ भी हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन यह कर रहा था कि चुनाव जीत जाने के बाद एक बार बहुत बड़ी सभा इस बदायूं में बुलाइए, और बहनों भाइयों उस समय मैं स्वयं आना चाहूंगा उस सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए, और उस सभा में भी मैं आना चाहूंगा, उस सभा में मैं आना चाहूंगा। जैसी आप लोगों ने आज मोटी हार पहनाई है वैसी हार पहनने के लिए नहीं आना चाहूंगा बहनों भाइयों, यदि मैं आना चाहूंगा तो शीश झुकाकर इस बधाइयों की जनता का अभिनंदन करने के लिए आना चाहूंगा, उनका स्वागत करने के लिए आना चाहूंगा। इसलिए आप कमल का फूल, कमल के फूल को मत भूलिएगा, बटन दबाइए और हमारे सारे प्रत्याशियों को भारी मतों से विजय दिलाइए। आप सबका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन।